हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र बताऊं कि जो सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत ही अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है फेस की, उस पर आपको कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसे इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बहुत ही जल्दी ग्लोइंग बना सकते हैं, एंटी एजिंग के लक्षण को छुपा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बताऊंगी जिसे आप दिन में भी रात को भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, और ये आपका कलर भी फेयर करेगा, एंटी एजिंग का भी काम करेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक देखिए साफ कांच की बोतल लेनी है। अब इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले आपको लेना है इसमें एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। अब इसमें मैं लगभग एक चम्मच के करीब एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एलोवेरा जेल से इसमें थिकनेस आएगी, सॉफ्टनेस आएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। और इसमें डालेंगे हम ग्लिसरीन। ग्लिसरीन स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती है, बहुत ज़्यादा फेयर करती है, एंटी एजिंग के जितने भी लक्षण हैं उन्हें दूर करती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है स्किन के लिए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जैतून का तेल। अगर आप जैतून का तेल आपके पास है तो जैतून का डाल लीजिएगा। ये बहुत थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल 1/3। नहीं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा, नहीं तो आप इसमें जैतून का तेल गर्मियों का मौसम है तो वो इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल होता है जो सर्दियों में स्किन को ड्राई होने से बचाता है, और गर्मियों में जो जैतून का तेल होता है वो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे स्किन चिपचिपी नहीं होती है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच गुलाब जल। ये इसको गुलाब जल स्किन के लिए आपको सबको पता ही है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, इसकी जो इसका पतला करना है इसे हमें, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ चंदन का तेल। अगर आपके पास चंदन का तेल नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो हमारे गुलाब जल से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर डालना चाहते हो आप कोई सा भी डाल सकते हैं। आप जैसे सैंडलवुड है या फिर रोजमेरी का, बहुत सारे हैं, कोई भी आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम 2 से 3 बूंदे इसकी डालेंगे, इससे इसमें अच्छा सा एक स्मेल आ जाएगी। इस तरीके से मैं इसकी 5 से 6 बूंदे डाल रही हूँ इसमें। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ये देखिए ये तैयार है हमारा होममेड मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे आप दिन में भी लगा सकते हैं, जैसे आप सुबह नहाने के बाद इसे लगा लीजिएगा, रात को सोने से पहले से लगा लीजिएगा। ये डे नाइट क्रीम का काम करेगा। और अब मैं आपको इसे लगा कर दिखाती हूँ। इसको आपको थोड़ा सा लेना है, और ये देखिए ना तो इससे स्किन ड्राई होगी ना ही इससे स्किन ऑयली होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत ही इफ़ेक्टिव है गर्मियों में, और जैसे आजकल बरसात चल रही है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इसका। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लगा के, और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा भी नहीं है, और हाथ देखिए कितने अच्छे हो गए। इसे लगा कर लग ही नहीं रहा है कि जैसे हाथों में कुछ लगाया है। ये स्किन को ड्राई होने से बचाएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो ऐसे ट्राई कीजिएगा, और कैसा लगा वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। बस इस तरीके से आप इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप इसे रात भर छोड़ दीजिएगा, आप इसे सुबह को नहाने के बाद लगा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और 3 से 4 बार में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी एंटी एजिंग के लक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताएँ।